कार पेट्रोल। हे दोस्तों, बीच पर आने के लिए बढ़िया दिन है। अरे वाह, बॉबी तो कमाल का है। देखो हेक्टर आया है। हाय हेक्टर, क्या तुम शो देखने आए हो? लगता है वो दोबारा कूदने वाला है, जरा उसे देखो तो। ओ नहीं, बॉबी तो अटक गया। घबराओ मत बॉबी, हम तुम्हें निकाल लेंगे। अच्छा सोचा, तुम जाके बाकी सबको ले आओ बॉबी की मदद के लिए। जल्दी हेक्टर। हे दोस्तों, बॉबी का एक्सीडेंट हुआ है, वो बीच पर अटक गया है। मदद करोगे? ठीक है, चलो चलें। जल्दी, चिंता मत करो दोस्तों, कार पेट्रोल जल्दी सब ठीक कर देंगे। तुम्हारा वाटर जेट तो बहुत तेज है फ्रैंक, इससे काम हो जाना चाहिए। ओ डियर, अच्छी कोशिश थी, पर बॉबी तो अभी भी अटका हुआ है, अब क्या? ग्रेट आइडिया, एक रॉक हटा देंगे तो बॉबी आजाद हो जाएगा। हेक्टर, क्या अपनी ग्रैपलिंग हुक का यूज करोगे? मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं हेक्टर, एक बार और कोशिश करो। बढ़िया, तुमने पकड़ लिया, अब उसे पूरी ताकत से खींचो। काम बन रहा है हेक्टर, रॉक हिल रहा है। ओ, मैट भी मदद कर रहा है। चिंता मत करो बॉबी, वो तुम्हें अभी निकाल लेंगे। ठीक है, अब फ्रैंक की ताकत से तुम उस रॉक को हटा दोगे। तैयार फ्रैंक? ये होने लगा। ओ बढ़िया, बहुत खूब कार पेट्रोल, तुमने उसे बचा लिया। बाय दोस्तों,
मिलेंगे। कार पेट्रोल। वाह, जेरी लेक के चक्कर लगा रहा है। वो जरूर कल की रेस की तैयारी कर रहा होगा। हे जेरी, अंधेरा होने वाला है, तुम आराम नहीं करोगे? मुझे यकीन नहीं होता, जेरी पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा था। जेरी, तुम्हें सच में आराम करना चाहिए इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो। लगता है तुम्हें कीचड़ से बाहर आने के लिए मदद की जरूरत है जेरी। देखता हूँ मैट और फ्रैंक क्या कर रहे हैं। Hey, दोस्तों, जेरी को मदद की जरूरत है। वो कीचड़ में फंस गया है लेक पर। सही कहा, उसे दिन में रेस में भी पहुंचना है। पता नहीं वो जा पाएगा या नहीं। क्या तुम मदद करोगे? ग्रेट, बिल्कुल फंस गया है ना? लगता है वो लोग रेस ट्रैक बना रहे हैं। जेरी बहुत लकी होगा अगर वो रेस तक पहुंच गया। तुम्हारे पास आइडिया है मैट? बिल्कुल, टो ट्रक टॉम जरूर कुछ कर सकता है। वो यही रेस ट्रैक पर है, चलो चल के उससे पूछते हैं। वो रहा टॉम। काश मैट उसे जेरी की मदद के लिए मना ले। फ्रैंक कहाँ चल दिया? क्या कुछ बात बनी? मुझे लगता है फ्रैंक के पास कुछ और आइडिया है। बिल्कुल, लेक तो ट्रैक से थोड़ी दूर है। शायद चार्ली द क्रेन उसे कीचड़ से निकालकर यहाँ ला सके। ग्रेट, लगता है चार्ली मदद करेगा। हे जेरी, मैट और फ्रैंक चार्ली को तुम्हें बाहर निकालने के लिए लाए हैं। अब हमें इसे रेस ट्रैक तक ले जाना होगा। अभी रेस शुरू होने में टाइम है, चलो तुम्हें साफ कर दें। ग्रेट, बस व्हील्स बदलने हैं। शायद अब टॉम फ्री हो। ओ, देखो मैट पहले ही उसके पास गया। और इस बार टॉम मदद करेगा। वक्त निकल रहा है, हमें जल्दी उन व्हील्स को बदलना होगा। चार्ली फिर से मदद करेगा। अब उन टायर्स को जल्दी से लगा दो। ग्रेट, सब कुछ टाइम पर हो गया।
रेस शुरू हो गई और लगता है जेरी जीत जाएगा। शायद अच्छा ही हुआ कि वो कीचड़ में फंस गया, उसको आराम की जरूरत थी। उसने कर दिखाया, वो जीत गया। वाह, तुमने कर दिखाया, कुछ ही घंटों पहले तुम कीचड़ में फंसे थे। सब कुछ इनकी वजह से हो पाया, कमाल की टीम है। कार पेट्रोल। वाओ, मैट और फ्रैंक तो जल्दी में लग रहे हैं। हे दोस्तों, क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बेन के फार्म के पास आग लगी है। अरे नहीं, तुम्हें तो वहाँ जल्दी जाना चाहिए। हाय बेन, मैट और फ्रैंक ने कहा कि आग लगी है, क्या तुम दिखा सकते हो कि कहाँ है ताकि वो उसे बुझा सके? क्या तुम्हें आग दिखी फ्रैंक? लगता है ये आग फैलकर बेन के खेतों तक आ रही है और सारा अनाज जला देगी अगर इसे बुझाया नहीं तो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास काफी पानी है फ्रैंक? मैट, शायद तुम कार सिटी जाके किसी को मदद के लिए ला सकते हो जो आग बुझा सके। देखो मैट, उधर प्लेन पैनी और हेलीकॉप्टर हेक्टर है, वो बिजी नहीं लग रहे। शायद वो अपने वाटर जेट में पानी भर के फ्रैंक की मदद कर सके। शुक्रिया पैनी, शुक्रिया हेक्टर, जंगल में मिलते हैं जब तुम पानी भर के ले आओगे। अच्छा आइडिया है मैट, चलो कार सिटी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तब तक कोई और मदद कर सके। वहाँ एडगर द एक्सकवेटर है, तुम उससे मदद के लिए पूछ सकते हो। वो जंगल के सामने एक गड्ढा खोद सकता है जिससे आग बेन के खेतों की तरफ नहीं आएगी और अनाज भी नहीं जलेगा। एडगर, वहाँ एक आग लगी है, एक गड्ढा खोदने में तुम्हारी मदद चाहिए, चलो चलें। ये क्या, फ्रैंक का पानी तो सच में खत्म हो गया जैसा उसने सोचा था। चिंता मत करो फ्रैंक, मदद बस आ रही है। देखो, मैट और एडगर द एक्सकवेटर आ गए। मैट एडगर को साथ लाया है ताकि वो आग को फैलकर बेन के खेतों की तरफ जाने से रोक सके। शुक्रिया एडगर, तुम तो चैंपियन हो। अब बस हमें चाहिए कि पैनी और हेक्टर आकर अपनी वाटर जेट से आग को बुझा दे।
वो आ गए। आखिरकार आग बुझ गई। तुम दोनों का जवाब नहीं। अच्छी खबर है दोस्तों, पेनी और हेक्टर ने आग बुझा दी। एडगर, तुमने कमाल का काम किया बेन के खेत को बचाकर। बेन का नाम लिया और वो हाजिर। बेन सबको शुक्रिया कहना चाहता है जंगल में कुछ नए पेड़ लगाकर। अच्छी बात है, एडगर मिट्टी खोदने में तुम्हारी मदद करना चाहता है। मुझे लगता है आज के दिन सबको पता चल गया होगा कि मुश्किल हालात में टीम वर्क ही काम आता है। बहुत खूब दोस्तों, तुम सब कमाल के हो। हेलो दोस्तों, आखिर गर्मियां आ गई। क्या तुम्हें पसंद है? देखो, वो क्या था? लगता है सीवर में वाटर प्रेशर कुछ ज्यादा ही था और जिससे हाइड्रेंट उछलकर बाहर आ गया। चलो मदद के लिए कार पेट्रोल को बुलाते हैं। कार पेट्रोल, अच्छा तो तुम नजर रखे हुए थे और तुमने देखा क्या हुआ? चलो वहाँ चल के टॉम और टाइसन की मदद करते हैं। वो क्या है मैट? सबसे पहले हमें टाइसन को खड़ा करना होगा, लेकिन हम वो करेंगे कैसे? टॉम ने कहा उसकी टोइंग हुक से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। फ्रैंक, मैट ने कहा तुम अपनी सीढ़ी का इस्तेमाल करके टॉम की मदद कर सकते हो। ग्रेट, अब हमें बस लीक को रोकना है ना मैट? टाइसन, मैट ने कहा वो टॉम के साथ इसकी छानबीन करने जा रहा है। तुम यही रुको और देखना कोई और गाड़ी पास ना आए, ठीक है? ये क्या? ये तो बड़ा सा क्लैम अटका हुआ है, हमें इसे बाहर निकालना होगा। टॉम, क्या कोई आइडिया है? तुम्हारे पास ऑयल है? और हम उसे क्लैम पर लगा के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है फिर? मैट ने कहा हेक्टर ऑयल ले जाएगा और क्लैम पर डालेगा। पापा, उम्मीद है इससे काम हो जाएगा।
हाँ, इससे काम हो गया, बहुत खूब। अच्छा हुआ जो तुम्हारे पास ऑयल था टॉम, इससे सीवर का प्रेशर ठीक हो जाना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। प्रेशर बराबर है, लेकिन यहाँ पानी जमा है, इसका अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा टैंक खाली है और तुम इसे सक कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैट? ठीक है फिर चलो शुरू हो जाओ। अच्छा काम किया टॉम, अब सड़क बिल्कुल पहले जैसी हो गई। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया टाइसन। बाय दोस्तों, गर्मियों में मजे करो।